First of all, I would like to thank you, sir, for your beautiful speech and very logical elaboration of different religions, substance, actually, I would say. I have great respect for all the religions, and I feel that, you know, there are some things which are very unique, as well as the understanding and the belief, little bit different. But at the same time, my question is related to the revelation. Is revelation of God in Islam complete? Or what is the understanding of revelation of God in Islam? And like we consider or we believe that revelation of God is still on, but what is the understanding in Islam? Sir has asked a very, very good question. I'm very honored that Panditji and the father and other brother, they gave all the time listening to me, mashallah. And I'm more honored because they have posed a question now. If with your respectable permission, can I answer in Hindi because it will be convenient for them. Father ne sawal kiya hai ke unko takreer bahut achhi lagi meri, mashallah. Unko kai cheezein, kai religions ke bare mein samajhne ka mauka mila. और वो असल ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम में जो रिविलेशन, जिसको हम वही कहते हैं, वही के बारे में इस्लाम का अकीदा क्या है, इस्लाम वही के बारे में क्या कहता है, वही के बारे में, रिविलेशन के बारे में इस्लाम के विचार क्या हैं, यानी क्या इस्लाम में रिविलेशन, वही आना अल्लाह की बंद हो गई या नहीं हुई? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि गॉड की जो रिविलेशन है वो अभी बंद नहीं हुई है. बेसिकली आपने जो टर्म रेवलेशन यूज़ किया है फादर, वो इस्लाम में उसको वही कहते हैं. आपने सुना होगा वही, गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल वाज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑल द मैसेजेस फ्रॉम गॉड टू ऑल द प्रॉफिट्स, जिसमें क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म एंड इस्लाम आर टुगेदर. आई मीन एज ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वी बिलीव के फ्रॉम द टाइम ऑफ एडम टिल जीसस क्राइस्ट में पीस बी अपॉन हिम, आर्कएंजल गैब्रियल वॉज द मेन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड. तो ये बात हम मुसलमान भी मानते हैं. इसमें से हम ये मानते हैं कि गॉड ने इन द फॉर्म ऑफ बुक, थ्री बुक्स जो आप मानते हैं, हम फोर मानते हैं, आप थ्री मानते हैं, समझिए. ज्यूज दो मानते हैं, द ज्यूज बिलीव इन तौरा एंड द जबूर, द साम्स एंड द तौरा. एज क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस बिलीव इन तौरा, जबूर एंड इंजील. द तौरा दैट इज द लॉ, द जबूर दैट इज द साम्स, द इंजील्स दैट इज द गॉस्पेल. एज मुस्लिम्स वी बिलीव इन फोर, वी बिलीव इन तौरा, we believe in zabur, the psalms, we believe in injil, the gospels, and finally we believe in the quran. we say these revelations, jisko wahi kehte hain, ye topmost category of wahi hai, upar wale ki taraf se. is type ki jo wahi aane wali hai, ab ye wahi nahi aayegi. the reason is very simple, kyunki ye book kisi pe reveal hone ke liye prophet hona padega. and as muslims, humko quran mein surah ahzab surah number 33 ki ayat number 40 mein declaration की तरफ से, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाही व खातमुन नबियीन, प्रॉफिट मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू मैन बायोलॉजिकली. उस जमाने में अरब्स में एक कल्चर था जो आज भी कई जगहों पर है, व्हेन यू अडॉप्ट चिल्ड्रन, द अडॉप्टेड चाइल्ड दे स्टार्ट कॉलिंग द पर्सन हु अडॉप्टेड एज हिज ओन फादर. इससे कंफ्यूजन हो रहे थे. तो प्रॉफिट मोहम्मद के एक स्लेव थे, जैद बिन हारिस, लोग उनको कहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के बेटे हैं. द कुरान रिजेक्टेड दैट कॉन्सेप्ट. कुरान एनकरेज, यू वांट टू अडॉप्ट समबडी, अडॉप्ट, बट डोंट चेंज हिज प्रोजेनी, डोंट चेंज हिज बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स. उसको उसके बाप के ही नाम से पुकारो, तुम उसको पालो अपने घर में, कोई बड़ी बात नहीं है. सो व्हाट इस्लाम सेड इज, व्हेन द पीपल स्टार्टेड कॉलिंग ज़ैद बिन हारिस एज द सन ऑफ मोहम्मद, कुरान रिजेक्टेड इट. मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू मैन, मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द आदमी के बाप नहीं है. वला के रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह के मैसेंजर है, वो तो अल्लाह के प्रॉफिट है. वो खातमुन नबीन एंड ही इज द फाइनल प्रॉफिट, फाइनल रसूल, फाइनल मैसेंजर. इसके बाद अब कोई मैसेंजर कयामत तक नहीं आएंगे. सो व्हाट वी बिलीव इज, बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अब कोई मैसेंजर आ ही नहीं सकते. दिस इज वेयर मुस्लिम्स डिफर विद खादियानीज. खादियानीज ये बोले कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद गुलाम अहमद खादियानी प्रॉफिट है. All Muslims unanimously we disagreed. We said if you are going to believe that way, वो लोग बाकी सब चीजों को मानते हैं. The moment they broke this tenet,
We said you cannot be a Muslim because this is the fundamental tenet in Islam ke prophet Muhammad ke baad ab koi bhi nahi aa sakta prophet banke. So what we believe is ye jo revelations hai, kyunki prophets ruk gaye hain, ab ye revelation aa hi nahi sakta. And this is the highest category of revelation. The second kind of revelation which the prophets used to receive as instructions from God, which we call as inspiration, which you generally say the Holy Ghost inspires. So what we say, we call those kind of revelations of God as ahadith of Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad, whatever he spoke, the Quran says in Surah Najm, Surah number 53, ayat number 3 and 4, my Prophet does not speak anything by himself. Mere Nabi apne se khud kuch bhi nahi kehte, jo unko wahi kiya jata hai, wahi baat karte hai. To ek wahi ya to Quran banegi or his ahadith. These are two kinds of wahi. These two kind of revelations have completely stopped now. The third kind of revelation, what we have been told by the Prophet is, the dreams, the good dreams that the people see, the good dreams are a revelation, the third kind of revelation, wherein God still keeps on guiding the mankind. So this kind of revelation we believe, but the interpretation of the dream is not possible by any Tom, Dick and Harry, because except God, nobody knows what exactly he wants to interpret through the dream. So what we say is, but of all the three interpretations, मैंने सर को यह बताया कि कुरान की वही अब बंद हो गई है, अब इसके बाद कोई और वही के जरिए से कोई किताब नहीं आएगी. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस ये भी अल्लाह की वही है, चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है तो कोई शख्स ठहर कर नहीं कह सकता कि मैं नबी हूं. चूंकि गुलाम अहमद कादियानी ने जुर्रत की, उस कमबख्त ने हिम्मत की यह कहने की कि मैं भी नबी हूं, हमने सबने उनको इस्लाम से बाहर कर दिया. ये दो किस्म की वही बंद हो गई. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर फजल किया कि उनको ख्वाबों के जरिए से भी वही भेजता है. और ये जो वही है इंसानों को रहनुमाई के लिए आती है, लेकिन ख्वाब की जो वही होती है ये शरीयत नहीं बन सकती कभी भी, वो इस इंडिविजुअल के लिए होगी. यानी व्हाट वी मुस्लिम्स बिलीव इज अ ड्रीम कैन नेवर बिकम द लॉ ऑफ गॉड. A dream is just to guide an individual to an extent. It can never become the law of the religion. That is our faith about the revelations, as far as revelation is concerned. The rational behind believing there is no revelation after this. Kis wajah se hum ye kehte hain ab iske baad koi wahi nahi aayegi? Isliye kehte hain kyunki Allah ne Quran mein kaha hai, Surah Qasas, Surah number 28, Ayat number 49 mein, to Prophet Muhammad, O Prophet, if they think they can get something better than this, say I will be the first one to follow it. So what do you mean by better than this? What we are saying is, as human beings we have certain problems in the society today. We have social problems, we have injustices towards the women, we have economical problems or economical injustices. Uske liye jo solutions chahiye, अगर इफ यू थिंक जैसे इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, अब मेरे अपने हमारे कंट्री में, इंडिया हमारा जो कंट्री है, इट टुक ए शॉर्ट टर्म डेट ऑफ $54.7 बिलियन. 2008 में इंडिया ने बाहर के मुल्कों से 54.7 अरब डॉलर का कर्जा लिया. आपके हमारे मुल्क ने, इस मुल्क की हुकूमत ने कर्जा 2008 में कितना लिया? 54.7. लेकिन अल्लाह ने सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 275 से 279 में सूद को फॉरबिड किया, हराम किया. अगर ये पॉलिसी फॉलो नहीं किए तो नुकसान होगा. कैसे हमारे कंट्री को नुकसान हुआ देखो आप, सूद पर पैसा लेने की वजह से. $54.7 बिलियन जो हमने 2008 में लिए थे, वो 31 मार्च 2014 तक $172 बिलियन हो गया है. How come from 54.7 172? What we say is interest economy को खत्म कर दो ताकि ये injustice ना हो. इसी तरीके से औरतों का rape होता है. आज जितने rape हमारे country में हो रहे हैं, Times of India की report के अनुसार कितने rape हो रहे हैं? 13 नवंबर 2013, 13th November 2013, Times of India page number 13 की report कहती है पिछले 40 साल में इंडिया में rape 800% बढ़ गए हैं, 800% इंक्रीज हो गए हैं. अगर यहां पर इस्लाम का कानून लाकर रेपिस्ट का गला मार दिया जाए, खुद ब खुद जुर्रत खत्म हो जाएगी. अगर औरतों को हिजाब कराया जाए, क्यों कहते हैं हिजाब करने के लिए? अगर कहीं चोरी होती है सोने की दुकान में, तो पुलिस वाले सुनार को कहते हैं, दुकान वाले को कहते हैं, अरे भाई साहब तुम्हारा लाखों का माल है, जरा कैमरे फिट कराने में क्या गया अकल नहीं आती क्या? हिफाजत होगी,
फिट करा लो। इस्लाम कहता है औरत की इज्जत दुनिया की हर कीमती चीज से ज्यादा कीमती है, उसको ढाक कर रहने दो ताकि कोई भेड़िया उस पर नजर डालकर उसकी इज्जत को ना उछले। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम उसका मुकाम नहीं गिराता, इस्लाम उसे बचाता है। अगर ये चीजें हम इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो दुनिया के कई क्राइम्स खत्म होंगे। प्रैक्टिकल जो लॉ है, चूंकि कुरान कहता है कि तुम अब खयामत आने तक, लास्ट डे आने तक तुम इसको इंप्लीमेंट करो, इसी में तुम्हारा फायदा है, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर ए मुस्लिम और ए नॉन मुस्लिम। इस्लाम ये नहीं कहता कि मुसलमान औरत हिजाब में रहे और कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम लड़की को ना छेड़े, और अगर कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम लड़की को छेड़ेगा तो उसकी गर्दन मार दो, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का नॉन मुस्लिम गर्ल को छेड़ा तो ऐसा मत करो। नहीं, अगर मुस्लिम लड़का भी कोई ऐसी हरकत करेगा तो शरीयत उसको भी सख्त से सख्त सजा देगी, उसको भी नहीं बख्शेगी। यानी मुस्लिम बच्ची नॉन मुस्लिम बच्ची सबकी हिफाजत इस्लाम ने सिखाया, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी से हर गरीब को बचाया। ये प्रैक्टिकल लॉज अल्लाह ने कुरान के खयामत आने के तक के दिए हैं, इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, इसके बाद आप कहिए कि इससे बेहतर आपको क्या चीज की जरूरत है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेलेशन सर इन इस्लाम। थैंक यू सो मच।